हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह, टैगोर स्कूल तारानगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में आपको जीओसी के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री के तीन पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो है वो अलग से रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि ये 26 नंबर का रहेगा। टोटल 7 लेसन हमारे पास में है। लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास में कौन से टॉपिक अभी हैं। चलिए आए बोर्ड पे एक बार। पिछले लेक्चर में हम एन ब्यूटेन तक, आइसो ब्यूटेन तक कर चुके हैं। आज हम पेंटेन, 5 कार्बन की एक श्रृंखला लेते हैं। मेरे पास में ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, जिसमें कौन कौन से कार्बन है देखिए। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री है, और उसके बाद में ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इनमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? ये आपका एन पेंटेन है, इसको आप कह सकते हैं ये आपका एन पेंटेन रहेगा। 5 कार्बन का एक सामान्य श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर इस एन पेंटेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? तो यहां पे 3 संभावनाएं अपने पास में हैं। अगर मैं एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल देता हूं तो 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहेंगी। ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं इसके बारे में देखना है। पहला देखिए, मैं अगर हाइड्रोजन यहां से निकालता हूं तो ये यहाँ पे मेरे पास CH2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ तो मेरे पास में CH2 जो है, आगे ये देखिए, ये यहाँ पे CH3 जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? CH2 में। ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका नाम क्या रहेगा? नाम सिंपल सा है, एन पेंटिल। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में एन पेंटिल। ये देखिए, तो चूंकि ये एल्केनों के मूलक हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन निकलने के बाद कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो पहला हाइड्रोजन यहां से निकला और ये CH2 बन गया और इसका नाम हमने लिखा एन पेंटिल। अब दूसरा हाइड्रोजन देखिए, आप दूसरा हाइड्रोजन या तो इस कार्बन से निकाल दीजिए या इस कार्बन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों की स्थिति, दोनों की पोजिशन सेम है। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो ये 2 नंबर पे आएगा, और इधर से आप नंबरिंग करते हैं तो ये भी 2 नंबर पे आएगा। तो दोनों की सेम नंबरिंग है। तो आप इसमें से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? जैसे कि इधर से अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ये मेरे पास में आ जाएगा एक्टिव, सेकेंडरी पेंटिल। ये अपने पास में आ जाएगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। शायद आपने एक्टिव नाम से नोमेनक्लेचर पहले 11th तक नहीं सीखा है, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर आपके 11th के सिलेबस में नहीं होता है। लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि अगर आपके सेकेंड नंबर कार्बन से, इधर से अगर कोई हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल कहलाएगा। और ये इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है क्योंकि आप इसे पहली बार देख रहे हैं। आगे देखें, दूसरा, अगर आप इसमें से हाइड्रोजन निकालने के बजाय तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए कि ये इधर से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया। अगर हाइड्रोजन 3 नंबर कार्बन, 1, 2, 3, अगर 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका सेकेंडरी पेंटिल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी पेंटिल। ये आपका सेकेंडरी पेंटिल कहलाएगा। देखिए, तो पेंटिल के, आपके जो पेंटेन के हैं, 3 आपके संभावनाएं बनी एन पेंटेन के, 1, 2 और ये कितनी, कौन सी संभावना है आपकी? ये तीसरी संभावना हमारे पास में आ गई पेंटेन के। अब उसके बाद देखते हैं पेंटेन के बाद में, पेंटेन के बाद में अपने पास में आ जाता है आइसो पेंटेन। पेंटेन के बाद में मैं आइसो पेंटेन ले रहा हूं। देखिए, ये मेरे पास आइसो पेंटेन है। आइसो पेंटेन में इसका नाम लिख देते हैं हम आइसो। मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि आइसो शब्द जो है, आइसो पूर्व लग्न जो है, वो आप केवल 6 कार्बन के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये आइसो पेंटेन है और आइसो पूर्व लग्न का उपयोग आप केवल 6 कार्बन के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो अब आइसो पेंटेन में भी 3 संभावनाएं हैं। आइसो पेंटेन में भी कितनी संभावनाएं हैं? 3। और देखते हैं कौन कौन सी संभावनाएं हैं इसमें। अलग अलग आप जो है कार्बन को डिराइव कर सकते हैं। ये 1 डिग्री है और ये कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन है।
ठीक है, ये भी 1 डिग्री आपका कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, और ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ये 2 डिग्री कार्बन है। इन सब में अलग है ये कार्बन, इनमें सब में अलग है, ये 2 डिग्री है। तो अब आप देखिए, इन कार्बन को देखने के बाद में आपको पता लग चुका होगा कि इसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, एक, ये और ये तीनों आप देख सकते हैं कि एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों सेम कार्बन है। ये तीनों कार्बन क्या है, सेम। अब दूसरा आप देखें 2 डिग्री में, सेकंड संभावना ये है, दूसरी संभावना और तीसरी संभावना आपके सामने है। मतलब आइसोपेंटेन से भी अगर हाइड्रोजन निकलता है तो इसके तीन समावय या तीन अलग अलग जो है कंपाउंड बनने की या तीन मूलक बनने की संभावना है। तो पहला देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, देखिए CH2 यहां आ जाएगा और इसका नाम क्या आ जाएगा, देखो इजी है, आइसो, इसका नाम आ जाएगा आइसोपेंटिल। बहुत इजी नाम है इसका, तो सीधा ही है कि लास्ट वाले कार्बन से आप अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो इसका नाम आ जाएगा आइसोपेंटिल। और यदि आप 2 नंबर कार्बन यहां से इसको निकालते हैं, मतलब CH2 को निकालते हैं, तो ये आ जाएगा एक्टिव, इसका नाम आ जाएगा एक्टिव आइसो, एक्टिव आइसोपेंटिल, इसका नाम क्या जाएगा, एक्टिव आइसोपेंटिल। देखें आप, कार्बन से, कौन से कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है, आपने इस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या किया है, रिमूव किया है। अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है तो ये आपका कहलाएगा एक्टिव आइसोपेंटिल। तो आप हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद आपके पास ये नाम आ गया एक्टिव आइसोपेंटिल। अब तीसरा नाम आप देख लीजिए, तीसरे नाम में अगर हम बात कर रहे हैं कि तीसरे नाम में हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो देखो तीसरा नाम अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालने के बजाय इधर से निकाल देते हैं, यहां से निकालने के बजाय अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं तो इसका सीधा सा नाम है, इसका नाम हो जाएगा एक्टिव पेंटिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव पेंटिल। देखिए तो आपके ये सामान्य नाम है और इस एक आइसोपेंटेन से आपने ये सामान्य नाम यहां पे बनाए हैं। अब एक 12th में बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि उसके अंदर हमें पूछा गया था, जिसमें हमने दिया गया था ये CH3 नियोपेंटेन दिया गया था, CH3 और CH3, उसमें लिखा था C5H11 C5H12 के संभावित समावयव बनाइए जो मोनो हैलो व्युत्पन्न देते हैं। तो कितने समावयव बन सकते हैं, तो इसका एक ही समावयव बन सकता है क्योंकि सारे के सारे कार्बन जो आपको दिख रहे हैं एक जैसे हैं, ये टोटल कार्बन जो आपको नजर आ रहे हैं ये 1 डिग्री हैं, और इसमें से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो सिर्फ एक ही संभावना बन सकती है यहाँ पे, ये CH3 CH3 CH2, इसे आप नियो पेंटिल कहते हैं। मतलब आप इसके अलावा दूसरा कोई भी मूलक नहीं बना सकते हैं, दूसरा कोई भी जो है इसके अलावा आप कोई भी दूसरा कंपाउंड यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो ये सिंगल है नियोपेंटिल का, नियोपेंटिल का। इसके अलावा आगे बात करते हैं नियोपेंटेन के बाद में, बात कर रहे हैं मैथेन की, कि मैथेन में से हाइड्रोजन निकलने के बाद आप इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में मैथेन है और मैथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, अगर मैं मैथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो मेरे पास में मैथिल बचेगा, ये हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। लेकिन अगर आप मैथिल में से एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं, अगर आप मैथिल समूह में से भी एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं तो ये मैथिलीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिलीन। इसका नाम हो जाएगा मैथिलीन। ये देखिए, अगर आप मैथिल में से भी एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे तो इसको आप मैथिलीन कहेंगे, ये आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा जिसे आप मैथिलीन कह रहे हैं। अब बात कर रहे हैं एथेन की, एथेन में आ जाएगी, एथेन का नाम अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, एथेन। और एथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये आपको बता चुके हैं ये एथिल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल।
लेकिन अगर आप एथिल में से भी एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं, अगर आप एथिल समूह में से एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीडीन। ये देखिए, इसका नाम हो गया एथिलीडीन। अगर आप एथिल में से एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे तो इसका नाम एथिलीडीन हो जाएगा। और एथिलीडीन में से भी आप देखिए, यहां पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपने और निकाल दिया, तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में अब इसके पास मात्र एक बचा है। और अब इस हाइड्रोजन को भी आप अगर निकाल दें, देखें इधर बोर्ड पे, कि आप इधर इस हाइड्रोजन को भी निकाल दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथिलीडाइन। इसका नाम हो जाएगा एथिलीडाइन। ये आपके बहुत काम आएंगे आगे, जब हम लेसन के अंदर घुसेंगे तब क्या है कि नोमेनक्लेचर में जो आते हैं तो उस समय आपके ये काम आएंगे भी, एथिलीडीन कब होता है, एथिलीडाइन कब होता है। तो ये आपका एथिलीडाइन हो जाएगा और इसे एथिलीडीन कहेंगे। लेकिन यहां पे इधर दो हाइड्रोजन निकलने में अगर आप देखें, ये दो हाइड्रोजन निकले, अगर इन दोनों हाइड्रोजनों को अलग अलग स्थिति से निकाला जाए, मतलब कि एक हाइड्रोजन तो आपने यहां से निकाला था, देखें इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2 हो गया। अब जब आप दूसरा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो यहां से मत निकालो, आप दूसरा हाइड्रोजन इधर से निकालो, CH3 से। अगर आप दूसरा हाइड्रोजन इधर CH3 से निकालेंगे तब हमारे पास में क्या आएगा? तब ये तो CH2 है ही ऑलरेडी, ये रहा, और एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो ये क्या हो गया? CH2 हो गया ना। अब देखो CH2 और ये भी CH2, अब इन दोनों का क्या नाम हो जाएगा? एथिलीडीन तो आपके पास में था, अब इसको आप एथिलीन कहेंगे, इसे हम कहेंगे एथिलीन। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, अगर आपको 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है और उसके नोमेनक्लेचर में कहीं दिक्कत नहीं आए तो इन जानकारियों का आपके पास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जब आप जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड पढ़ेंगे तब आपके यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए हमें ये नामकरण आने बहुत आवश्यक है। जैसे आपने अगर यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये एथिल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन जो है इधर से निकाला तब क्या होगा? देखिए एथिल, अगर आप हाइड्रोजन आपने एक और यहीं से सेम यहां से निकाल दिया, ये एथिलीडीन हो जाएगा। और अगर वही हाइड्रोजन आप यहां से और निकाल देंगे तो ये एथिलीडाइन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर दूसरा हाइड्रोजन आप यहां से निकालते हैं तो यह आपका एथिलीन हो जाएगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह एथिलीन हो जाएगा। तो उसी तरह से अब मैं आपको एक अपनी तरफ से दे रहा हूं और इसके नाम आप खुद सोचना, पहले से मैं इसको छुपा रहा हूं, ऊपर बिल्कुल छुपा दिया मैंने। अब आप जो है प्रोपेन का खुद गेस करो, एक सेकेंड का आपके पास टाइम है। अब देखिए मेरे पास में एन प्रोपेन है, एन प्रोपेन में से पहला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। सोचिए आप वहां पे एथिल वाले में आपने क्या किया था, वैसे यहां पे भी हो जाएगा। तो ये एन प्रोपेन है तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल। अब अगर आप एक हाइड्रोजन और निकालते हैं इसमें से, अगर आप यहां पे इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाल देते हैं तो अपने पास में क्या बनेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो एन प्रोपिल में से मैं एक हाइड्रोजन और निकाल रहा हूं और सेम इस कार्बन से निकाल रहा हूं, इसी कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन और निकाल दिया। देख लो आप यहां पे दो, यहां पे अब इसके पास केवल एक हाइड्रोजन बचा है, इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं? केवल एक हाइड्रोजन बचा है। अब देखिए आप हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, एक हाइड्रोजन बचा है, ये एन प्रोपिल हो गया, अब इसका क्या नाम होगा? बिल्कुल जैसे आपने एथिलीडीन किया था सेम उसी तरह से इसका नाम भी हो जाएगा प्रोपिलीडीन। बिल्कुल इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडीन, आप यहां पे लिख सकते हैं इसका नाम प्रोपिलीडीन, आप इसका नाम लिख देंगे प्रोपिलीडीन हो जाएगा। और सेम आप अगर आप यदि एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देते हैं यहां से, एक हाइड्रोजन आपने इधर से, ये सेम हाइड्रोजन आपने फिर से निकाल दिया तो आपका क्या हो जाएगा? ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडाइन। जैसे आपने एथिलीडाइन किया था सेम ऐसे इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडाइन। समझ में आया? सेम एथिलीडीन एथिलीडाइन सेम है, जैसे इसी में भी प्रोपिलीडीन,
प्रोपिलीडाइन, ये सेम रहेगा आपके दोनों नाम। आपने पहला हाइड्रोजन यहां से निकाला था लास्ट में, आप देखें कि पहला हाइड्रोजन आपने यहां से निकाला, निकालने के बाद में क्या हुआ, CH2 समूह बन गया यहां पे, इसको आपने लिखा एन प्रोपिल। फिर उसके बाद में आपने एक और हाइड्रोजन सेम यहीं से निकाल दिया, तो आपके पास में इसका नाम आ गया प्रोपिलीडीन। और लास्ट में आपने सेम ये हाइड्रोजन फिर से निकाल दिया, तो नाम हो गया प्रोपिलीडाइन। अब एक और संभावना यहां पे बनती है, एक नई संभावना कि अगर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहां से न निकाला जाए, और यहां से निकालने के बजाय अगर आप हाइड्रोजन यहां से इस कार्बन से निकालते हैं तो इसका नाम क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से निकालने के बजाय इधर से ये हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसका नाम क्या होगा, ये देखिए दिख रहा है आपको, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। आप नाम लिख सकते हैं इसका प्रोपिलीन, जैसे आपने एथिलीन लिखा था, सेम यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन। लेकिन एक संभावना और है यहां पे, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से नहीं निकाल के अगर मैं इस कार्बन से निकालता हूं, एक संभावना, अंतिम संभावना कि यहां से निकालने के बजाय यदि मैं इस हाइड्रोजन को इस मेथिल समूह से निकालता हूं तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी। और ये वाली जो स्ट्रक्चर आपके पास में आती है इसे आप बोलते हैं ट्राई मेथिलीन। गजब की चीज है। स्टार्टिंग में CH4 के लिए मैंने आपको बताया था मेथिलीन। अब क्या होता है कि जैसे जैसे CH2 जुड़ते जाएंगे तो उनके आगे नाम भी जुड़ते जाएंगे। अब ये एक पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, ये एक पार्ट था हमारे पास मेथिलीन, लेकिन अब देखिए 1, 2, 3 हमारे पास में ग्रुप जुड़े हुए CH2 समूह, तो इसका नाम आप लिखेंगे ट्राई मेथिलीन। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ट्राई मेथिलीन। इसका नाम हो जाएगा ट्राइमेथिलीन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारी चीज कि भाई ये प्रोपिलीन है और ये ट्राइमेथिलीन हो गया, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे हमें देखने को मिलता है कि कंफ्यूजन होगा इस चीज का। देखिए ये क्या है, एथिलीन, तो इसको डाइमेथिलीन क्यों नहीं कहते, ये क्या है एथिलीन, ये क्या है CH2 ट्राइमेथिलीन, घूम जाएगा दिमाग कैसे भाई ये एथिलीन है, इसका नाम आप लोग जो है वो डाइमेथिलीन क्यों नहीं लिख रहे सर, आपने यहां पे लिखा है ट्राइमेथिलीन, ठीक है, और आप यहां लिख रहे हो एथिलीन, तो या तो इसको भी डाइमेथिलीन लिखो क्योंकि दो CH2 हैं। तो ये चीज आपको समझ में आएगी जब एल्किल हैलाइड के हम क्लासिफिकेशन में घुसेंगे, तो वहां पे आपके डाई हैलो व्युत्पन्न के 3 प्रकार आएंगे, जिनमें से जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, 3 पार्ट रहेंगे। इन 3 पार्ट में जब आप घुसेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि एथिलीन क्या है, ट्राइमेथिलीन क्या है। तब तक इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरीज हो, कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसका जवाब दें। Thank you.